dear student, welcome back. Today we'll see a new topic, who है counting. Okay, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है. जो आप 1, 2, 3 काउंटिंग करते हो उसे कहते हैं हिंदी में गिनती. ये क्या है? जीरो. हिंदी में उसे हम कहते हैं शून्य, इंग्लिश में जीरो. ओके, सबको पता है. नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों? यस, एक, जो इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? वन. सो मैंने एक ही स्माइली ड्रॉ की है. नेक्स्ट नंबर क्या है? यस, दो, जो इंग्लिश में कहते हैं टू. सो मैंने टू स्माइलीज ड्रॉ की है, एक दो. नेक्स्ट नंबर है तीन, जो इंग्लिश में कहते हैं थ्री. सो मैंने एक दो तीन स्माइली ड्रॉ की है. नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, यस दैट इज फोर, यानी हिंदी में चार. सो मैंने चार स्माइली ड्रॉ की है, एक दो तीन चार. नेक्स्ट नंबर है पांच, आप देख सकते हो चंद्रबिंदु लिखा है पा के ऊपर और पांच स्माइली है, एक दो तीन चार पांच, इंग्लिश में कहते हैं फाइव. नेक्स्ट है छह, यानी सिक्स. सो मैंने सिक्स स्माइलीज ड्रॉ की है, एक दो तीन चार पांच छह. ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों? यस, सेवन. सो आप देख सकते हो ये नंबर क्या है? सात. सो इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? सेवन. सो इसलिए मैंने वहां पर कितने स्माइलीज ड्रॉ की है बच्चों? यस, एक दो तीन चार पांच छह और सात. सो सात स्माइलीज है, सेवन स्माइलीज है. नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे क्या है. यस, ऑफ कोर्स, व्हाट इज दैट? ये है आठ, नंबर आठ. ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश में हम उसे कहते हैं एट और हिंदी में हम कहते हैं आठ. आठ स्माइलीज मैंने ड्रॉ की है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ. नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, आपको मेरे साथ दोहराना है बच्चों. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे. यस, दिस इज द नेक्स्ट नंबर, वो क्या है? नाइन, जो हम हिंदी में कहते हैं नौ. ओके, सो मैंने यहाँ पर कितने स्माइलीज ड्रॉ की है बच्चों? यस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ. कितने हो गए? नौ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाइन. ओके, नाउ द लास्ट नंबर, एक से दस गिनती में लास्ट नंबर क्या है बच्चों? यस, ऑफ कोर्स, वन एंड जीरो, उसे हम कहते हैं क्या? लेट्स सी नाउ. यस, उसे कहते हैं टेन, यानी दस. क्या कहते हैं उसे हम? दस कहते हैं. ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने स्माइलीज है. ऑफ कोर्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ये हो गई कैसे गिनती? इंग्लिश में. लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस. सो दस को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? टेन. वेरी गुड. सो यहाँ पर हम एक बार फिर से ये गिनती शुरू करेंगे. यू रिपीट आफ्टर मी. ओके, सी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस. सो इस प्रकार बच्चों हमारी यहाँ पर एक से दस तक गिनती पूरी हुई है. सो आपको ये हिंदी में बोलना है, मराठी में भी सेम होती है लेकिन थोड़े से दो नंबर जो होते हैं वो अलग रहते हैं. जैसे कि दो, हम कहते हैं हिंदी में दो लेकिन मराठी में कहते हैं दो न, हिंदी में हम उसे कहते हैं सिर्फ दो. देन हम पांच, ये जो हम नंबर नहीं देखा है उसको हम नाक में से बोलते हैं पांच.
ओके। फिर सिक्स यानी छह, क्या बोला हमने, छह बोला। फिर सात सेम मराठी के जैसा है, आठ भी सेम मराठी जैसा है, लेकिन नौ जिसे हम मराठी में कहते हैं नऊ, नाइन, और हिंदी में नौ, और मराठी में टेन को क्या कहते हैं, दहा। सो हिंदी में उसे कहते हैं दस। ओके, सो यहाँ पर हमारी एक से दस तक गिनती कंप्लीट होती है, जिस तरह से मैंने आपको एक एक स्माइली ड्रॉ करके दिखाई। ओके, एक एक नंबर है तो एक स्माइली आई, दो नंबर है तो दो स्माइलीज आए, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ और दस। इस प्रकार मैं क्या करती चली गई, अपने स्माइलीज बढ़ाती चली। तो आप अपने CWs में आपको जो भी ड्राइंग इजी लगता है, चाहे आप बॉल ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप एप्पल ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप स्माइलीज ड्रॉ कर सकते हो, या फिर फूल ड्रॉ कर सकते हो, पतंग ड्रॉ कर सकते हो, मछली ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो आप लिख सकते हो। नंबर लिखना है और उसके आगे आपको चित्र ड्रॉ करना है। डू यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? सो हैव अ नाइस डे चिल्ड्रेन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।